कह सकते हो यहाँ का पानी भी इसी तरह का है। ये छोटा सा गांव है और वहाँ पे भी एक पॉन्ड टाइप का बनाया हुआ है और ये सामने से रास्ता कुछ ऐसे गया तो दोस्तों गर्मियों का सीज़न आ चुका है और छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं सबकी, तो ऐसे में सबका मन होता है क्यों ना हम जाएं जंगल एरिया में और पानी वाले इलाके में, ताकि नहाने में मज़ा आए, पिकनिक करने में मज़ा आए। तो ऐसे ही हम एक हिडन प्लेस पे आए हैं जो कि भोगपुर में है और ये सूर्यधार लेक के आगे पड़ती है, जो कि पिकनिक के लिए बहुत ही बेस्ट है और ज़्यादा लोग अभी तक नहीं आए। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जगह देखने को मिलने वाली है, तो इसी के साथ आपका स्वागत है एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लॉगर रोहित भारद्वाज चैनल। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बाकी आप पूरी वैली देख सकते हो यहाँ पे, यह है व्यू पॉइंट यहाँ का, बहुत ही मस्त। और एक कदम आगे बढ़ाते ही नीचे हम जाएंगे, यह है लास्ट पॉइंट। आज मेरे साथ है राहुल और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं भोगपुर में, पिकनिक स्पॉट है और यहाँ पे एक नहीं कई सारे स्पॉट्स हैं, आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर बने रहना, मज़ा आने वाला है, सो लेट्स गो। और सामने है पानी और ये जा रहा है राहुल, अभी हम चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं। बहुत ही मस्त लोकेशन है दोस्तों और आज आपको ऐसी जगह देखने को मिलने वाली है जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। और ये जगह जो है भोगपुर में है, सूर्यधार लेक के आगे, अभी दिखाते हैं आपको रास्ता, बहुत ही मस्त है। आप इसको छोटा मालदेवता भी कह सकते हो, यहाँ का पानी भी इसी तरह का है। ट्रैक पे हमारे सिवा अभी कोई नहीं है, हम दो चल रहे हैं एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं और आप यहाँ की ब्यूटी देख सकते हो। आगे शायद एक छोटा सा गांव है वो भी कवर करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पीछे का नज़ारा देखो। क्यों राहुल, मज़ा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये लग रहा है पानी रोकने के लिए बनाया गया है बारिश वगैरह में, और फिर इसको गांव वाले यूज़ करते होंगे अपने खेती बाड़ी में। एक आध घर दिख रहे हैं, छोटा सा गांव है और वहां पे भी एक पॉन्ड टाइप का बनाया हुआ है और ये सामने से रास्ता कुछ ऐसे गया है और उसके बगल से नदी जा रही है, आप देख सकते हो। सो दोस्तों आप देखो, अभी आपको एक जगह दिखाते हैं, बहुत ही मस्त स्पॉट है पिकनिक के लिए और पानी बहुत ही साफ है यहाँ का। पहुँचने वाले आप देख सकते हो,
कितना साफ पानी है और यहाँ कोई भी नहीं है, और ऐसी जगह पिकनिक मनाने में कितना मज़ा आएगा। बिल्कुल साफ पानी। सो दोस्तों, आप देखने वाले हैं आज का ये हिडन प्लेस, और ये क्या ही बस लोकेशन है। आप देखो, अच्छा खासा ठीक ठाक पानी है, गहरा नहाने के लिए साफ क्रिस्टल क्लियर पानी। गाइस, आप लोकेशन चेक करो, कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आराम से पिकनिक बना सकता है आदमी, खाना पीना नॉनवेज वगैरह कुछ भी बनाओ। लास्ट पॉइंट है, और ये इसके आगे रास्ता नहीं गया है, गांव भी यहीं तक है, दो चार घर है बस। फिलहाल आप ये पानी दो, कितना साफ है देखते हैं। अभी दोस्तों हम लोग नहाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, दोस्तों हमने कपड़े उतार लिए, पानी देके हमें रहा नहीं जा रहा है, तो हम चलते हैं और मजे करते हैं, और आप भी इंजॉय करोगे आई होप सो। सो लेट्स गो फॉर द स्विम। बैठ जा। तो दोस्तों हमने नहा लिया, बहुत ही मजा आया, आई होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा। राहुल कैसा लगा इस जगह पे आके? बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके, बहुत सुंदर है और नजारा है यहाँ पे। पानी कैसा मस्त था ना, एकदम क्लीन पानी यहाँ पे दोस्तों, पानी एकदम मस्त था, क्लियर था, और जगह आपने देख ली, क्या ही मस्त लाजवाब। आई होप सो ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना,
तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए एडवेंचर में। बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय।